किसी के गेस्ट हैं और इंट्रो थोड़ा सा लंबा होगा इस बार सो तो जरा सा मेरे साथ सब्र से काम लें जब मैं अपनी जिनके साथ आज मैं गुफगू करने जा रही हूँ उनके बारे में रिसर्च कर रही थी तो दो चीज़ें हुई इंस्पायर तो मैं पहली थी लेकिन मेरी इंस्परेशन का लेवल और बढ़ गया और मुझे शर्मिंदगी भी हुई इस बात की शर्मिंदगी हुई कि हम रोल मॉडल ढूंढते हैं इंटरनेशनली के आम, शारुल स्टैनबर्ग फेसबुक की वो बड़ी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है एंजेलिना जोली जो है वो ह्यूमैनिटेरियन काम बहुत कर रही हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास इतने लोग हैं मुल्क में मौजूद हैं लोग जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है जिसको मैंशन करना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए भी और बहुत सी यंग लड़कियों के लिए तो मुझे इस बात की शर्मिंदगी हुई कि मेरे सामने कोई मौजूद है और मैं इस चीज़ को नहीं जान सकी टिल लास्ट नाइट और फिर जब मैंने उनकी कहानी पढ़ना शुरू की तो मैंने कहा यार ये सब चीजें तो मैं भी करना चाहती हूँ और अगर उन्होंने कर लिया तो फिर इन शायद मैं भी कर सकू क्या पता कल मेरी भी इतनी ही बड़ी एम्पायर हो जितनी हम टीवी की बड़ी एम्पायर है शायद मैं भी सुल्ताना सिद्दीकी की तरह एक इंस्पायरिंग फिगर बन सकू तो आपने गेस्ट तो कर लिया होगा आज मेरी मेरे साथ मेरे पास है सुल्ताना सिद्दीकी और आज हम कुछ गुफ्तगु करेंगे कोशिश ये होगी कि जितना मैं इंस्पायर हो सकी उसका कुछ आप तक भी पहुंच सके और आपको भी एक नया रोल मॉडल बन सके को सुताना कैसी हैं आप बहुत अच्छी <laughs> <laughs> उसमें तो कोई डाउट <laughs> ही नहीं है नहीं रामिया मैं जिस तरह आप बात कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा शुक्रिया मैं तो यूथ को बहुत ही इंकरेज करती हूँ और यूथ जैसा आगे जाता है और पॉजिटिवली जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं चाहती थी वो हो रहा है क्योंकि हम एक जगह पे पहुंचते हैं लेकिन पीछे देखते हैं कि वो सिलसिला चलते रहना चाहिए बिल्कुल तो अच्छा लगता है पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशा से जो अवार्ड आपको अभी मिला है कैसा फील हो रहा था हाउ डज इट फील कॉल आती है मैसेज आता है क्या होता है फीलिंग क्या होती है उस वक्त जब होता है Definitely कोई भी अवार्ड जो है वो एक इज्जत तो है बिल्कुल ठीक है कितने भी मिल जाए लेकिन मैं ये समझती हूँ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जब काम करते हैं और काम के रहट में जब चलते हैं तो उनको पीछे पता ही नहीं चलता होता है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कभी भी ज़िंदगी में इसके लिए काम ही नहीं किया नहीं। तो उसके बाद जब कुछ मिलता है तो मैं समझती हूँ शुक्राना करना चाहिए और फिर सितारा इम्तियाज़ मिला उससे पहले मैं सिविल अवार्ड की बात कर रही हूँ वैसे तो बहुत से माशाल्लाह लेकिन तो लंबी लिस्ट है आपकी इंटरनेशनल भी, भी मिले हैं हाँ। तो अपने मुल्क में जब अपना नेशनल अवार्ड मिलता है मुझे याद है मुझे पहला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई हर बंदा कहता है ये तो आपको पहले मिलना चाहिए था जब सितारा इम्तियाज में अच्छा आपको नहीं मिला था हम तो समझते आपको पहले मिलना चाहिए था पहने का पहले या बाद में इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है आ, मिल गया ये बड़ी बात है कि एक्नॉलेज अपनी गवर्नमेंट कर ले बिल्कुल अपने लोग कर लें क्योंकि जिस ज़मीन पे आप रहते हैं जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट बड़ी एक्नॉलेजमेंट होती है सही बात है और फिर हाँ अगर मेरा काम पूरी दुनिया में जाए जो कहते हैं जी आप साउथ एशिया की फर्स्ट वमेन हैं मेरे लिए वो सुल्ताना का एजाज नहीं बनता मेरे लिए वो पाकिस्तान का एजाज़ बनता है जब भी कोई ख़ातून कोई लड़की मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने को लड़की कहूंगी वो मेरी आदत है नहीं नहीं आप मैं... बोले मुझे लग ऐसी इतनी अच्छी लग रही है मैं तो आपके मेकअप से बड़ा इंप्रेस हूँ इतना अच्छा इतना वो मतलब बहुत ओवर भी नहीं लग रहा है एंड लुकिंग सो नाइस मैं, भी। भाई एक छोटा सा वो उठा के कहीं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी कि वो आ गई हैं तो कर लो मेकअप की आदि नहीं हूँ तो खैर एनी तो अच्छा लगता है और अच्छा लगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया इससे पहले भी इस तरह से जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है बाकी मैं दूसरा पीटीवी में जब दस अवॉर्ड हुए थे तो आई थिंक आई वाज सबसे पहला के सबसे पहला तो मुझे मेला ही था लेकिन uh, मेरा ख्याल है उस वक्त तक मुझे छः अवार्ड मिल चुके थे जब दस अब तो बहुत फिर अभी जब uh, इन लोगों ने पी ने भी जब अवॉर्ड किया और अपने जो टैलेंटेड या जो लोग थे उनको बुलाया और उसमें जब मुझे अचीबत के तौर पे दिया तो मैं जब अपने इदारे का देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। ठीक है हम टीवी के मिलते हैं लक्स मिला बाहर मिला ग्रेट वुमेन का वो मिला बाहर जो है जो इंडिया का होता है इनका लेकिन जो अच्छा अपने मुल्क का लगता है बिल्कुल कभी नहीं लगता और मैंने कभी जिंदगी में जिंदगी में एफर्ट भी नहीं की है कि मुझे मिले अवॉर्ड याद भी नहीं होता है <laughs> तो मैं उसको समझती हूँ काम तो सब लोग करते हैं लेकिन जब कबूलियत हो जाती है ना तो फिर बाद बाद आ, की मजे की बात आती है, जब आ जाती है। वो और फिर मुझे कबूलियत की जो बात की मैं कोई ज़्यादा रिलीजन में न जाना चाहती हूँ न में लेकिन मैं कहती हूँ कि काम सब मुझे लोग कहते हैं आपने बड़ी मेहनत की मैंने मेहनत की बहुत मेहनत की टिल टुडे मैं जितनी मेहनत करती हूँ मेरा ख्याल है मेरे बच्चे जो हैं वो डर के मारे जल्दी आते होंगे कि आप आ ना जाए ऑफिस <laughs> अभी तक तो लेकिन अल्लाह की तरफ से कबूलियत भी तो हुई ना बिल्कुल सही बात है तो उसका शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है बहुत खूबसूरत बात की आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत <laughs> सही बात तो ये है, okay, okay. है मुश्किल होता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बहुत नहीं अच्छा। कहीं वो, नहीं आ जाता या... आप देखें बहुएं मेरे साथ करती हुँ। है इसीलिए इसी पूछियो कि माशाल्लाह से बहुएं यकीन करें मैं आपको कैसे बताऊं मैं लोगों को बताना चाहती हूँ बड़ा अच्छा सवाल आपने किया दिल बड़ा करें और बच्चियों के साथ मुझे तो लगता है जो मेरी बहू हैं बखुदा मैं समझती हूँ अगर मेरी बेटी भी इतनी अच्छी होती मुझे इतनी अच्छी लगती हैं से और जब मैं यहाँ आई मैंने देखा मुमल में <coughs> मूमल क्योंकि लिटरेचर और उससे थी उसको बहुत दिलचस्पी लिखने में होती थी आर्टिकल्स भी लिखती थी जब पढ़ती थी तो ये न्यूज़ क्या वो हमारा सरदा न्यूज द न्यूज़ उसमें भी बच्चों का वो उसमें लिखती थी तो मैंने देखा इसमें तो बड़ा टैलेंट है तो इसको हाँ। फिर उसके बाद जब ममना आई उसको मीडिया से नफरत थी कहती है शादी की तो मैंने सोचा था सिर्फ एक ही हिच थी कि इनकी अम्मी मीडिया में है और अब वो तक आ गया जी सामने उनके दिस इज द बेस्ट आप जो बोल रही थी खुद आप उसमें पूरा पूरा बोल रही और बहुत अच्छी तरह एक्चुअली हाँ। वो तो मतलब किसी नहीं। सॉरी आपको काट रही हूं ये खुद ही ये हो गया ये आप देखिए वो फाइनेंस में थी yeah. और बिजनेस में थी वो बिजनेस स्कूल से आई थी तो वो आते के साथ हम लोगों में बड़ा प्यार अंडरस्टैंडिंग बेटियां तो मुझे है नहीं तीन बेटे हैं तो वो जो है मुझे अच्छी लगती हैं बच्चियाँ तो वो दोनों और अभी तक माशा टच वट अल्लाह करे सब घरों में ऐसा हो कि साथ रहते हैं मैं अगर कहती हूँ फैमिली बड़ी हो गई अलग हो जाए वो कहते नहीं हमें नहीं हमें यहीं करना तो वो जब आई तो मेरा फाइनेंस संभालती थी जब मैं मूमल प्रोडक्शन ओके मूमल भी मैंने अपनी बहू के नाम पे रखा बड़ी बहू के फिर जब ये आ गई तो ये बिज़नेस स्कूल में दुरेत के साथ लम्स में पढ़ती थी और ये पठान है और मेरी पहली बहू जो है वो सिंधी है एक बहू तो जो है उर्दू एंड पंजाबी स्पीकिंग का मिक्स है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बेटे होते तो पूरे पाकिस्तान को <laughs> <सकते>। <laughs> लेकिन तो आ, ये तो उसने फिर आके पहले फाइनेंस लेकिन जब हम घर में खाने पे एक टेबल में बैठते तो मैं देखती थी बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी वो भी देती थी तो जब मैंने चैनल शुरू किया ना तो मैंने कहा मुमल तो यहाँ पे जो है आके स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट की हेड हो जाएगी और तुम मुमल प्रोडक्शन की हेड हो जाओ अच्छा। कि मैं संभाल सकती हूँ मुझे याद है उसने एक स्पीच में कहा कि मैं अपनी सास पर हैरान हूँ कि कोई अपनी एम्पायर कोई अपनी गद्दी उठ के नहीं देता और उसने मुझे कहा अब तुम संभालो मैं चली मुझे तो इस तरह सोचा भी नहीं था तो फैमिली के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इस ईजियर बाद में आपको बताऊँ होती क्या है बात होती है ट्रस्ट की मैं हमेशा कहती हूँ नीयतें बुरी नहीं होनी चाहिए आदतें तो हर एक की मुख्तलिफ होती हैं सही बात है हुँ। मेरी बहुओं की आदतें अपनी मुख्तलिफ भी हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी है कि फैमिली को रखें साथ रखें चीज़ें करें काम अच्छा हो दुरैत भी मैं कहूँगी कि एक्सीडेंटली मेरे साथ आया या वो क्योंकि उसने ए, उसको ये नहीं करना था कहीं और बिजनेस करना चाह रहा था और ये दोनों ये भी कॉरपोरेट उसमें जाना चाह रही थी मोमना लेकिन शायद दोनों ने डिसाइड किया कि हमें मामी के साथ रहना है तो ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है फिर दुरीद ने ही मुझे कहा मैं तो प्रोडक्शन हाउस चला रही थी तो उसको बड़ा छोटा काम लग रहा था मैं तो अपने कर रही थी तो फिर जब उसने कहा कहने लगे कि चैनल खोलते हैं क्योंकि तब 2001 में शुरू हो गए थे तो 2002 में से मुझे कहा कि है चैनल कैसे खोलेंगे उसके आइडियाज़ थोड़े बड़े बड़े होते हैं बड़ा सोचता है तो उसने बैरल किया तो हमने चैनल खोलना शुरू किया और ये भी इसका आइडिया था दिस इज़ द फर्स्ट चैनल जो कि पब्लिक लिस्टेड है क्योंकि इसमें बड़ा क्लीन आपके हिसाब किताब चीज़ें शफाफ़ होती हैं बाकी आपके जितने चैनल कोई सिक्सटी सिक्सटी फाइव होंगे कोई किसी ने पब्लिक लिस्टेड नहीं किया तो हमारा हर तीन महीने बाद आपके ऑडिट होता, होता है, होता है। बड़ी बड़ी कंपनी से और उसके बाद शेयर होल्डर्स के पास जाता हुँ। है स्टॉक मार्केट में जाता है चलिए पब्लिक लिस्टेड पर हम दोबारा आएंगे लेकिन मुझे बताएं जब बोला उन्होंने कि चैनल खोलते हैं तो क्या रिएक्शन था आपने मजाक में लिया या आपने सीरियस लिया नहीं, स... क्या? <laughs> मैं क्या मैं वैसे भी बड़ी रिस्क टेकर थी अच्छा। सारी ज़िंदगी हाँ। तो चैलेंजेस तो मुझे ज़िंदगी में ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे लगता है कोई चैलेंज है तो ये ज़रूर करना चाहिए और जो एक ऑफ तो द रिकॉर्ड हम दोनों एक बात कर रहे थे कि जो ये कर सकता है वो क्यों नहीं ये तो मैं शायद इतनी सी थी तो मैं मैं कहती थी जो भाई कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकती तो एक बात बताती हूँ बड़ी अजीब सी है हम लोग मेरा ख़्याल में तीन साल की होंगी या चार साल की होंगी तो ये जो होता है ना छोटा सा क्या आप कहते हैं मैं गटर नहीं कहूँगी वो अच्छा नहीं लगे वो गटर नहीं था वो पानी की जो होज होता है वो स्क्वायर सा, हाँ, सा हाँ, हाँ. वो इतना था तो मेरा भाई और घर के बाहर हैदराबाद में हम रहते थे तो एक भाई कूद के चला गया दो सहरी है वो से वो एक छः साल बड़ा था कोई आठ साल बड़ा था और मैं इतनी मैंने भी शायद मैं आखिरी में थी मैंने कूदी तो मैं अंदर गिर गई आई नो तो बिल्कुल ही अंदर चली गई होंगी हाँ, एक चीखा वो शायद सूखा था या थोड़ा हाँ। पानी में था हाँ। तो मेरा तो ये हाल था okay. पेड़ों पर चढ़ना इसपे करना जो भाई करेगा वो करूँगी वो क्यों कर सकता है तो ये आदत होती है तो खैर एनी anyway, वो फिर मुझे जल्दी से भाई को निकाला दिया <laughs> क्यों किया मैंने कहा तुम भी तो कूदे थे ओके okay. तो वो चीज एक सिंपल क्वेश्चन इफ यू अगर आप कर हाँ, सकते तो मैं क्यों नहीं मैंने एग्जैक्टली exactly. तो फिर जब दुरैद ने भी कहा कि जब हम ये चैनल खोलें तो मैंने कहा अच्छा कैसे करेंगे उसने कहा सारा वक्त आप प्रोडक्शन करती हैं दूसरों को सेल करती हैं बाहर करती थी या करती थी वो तो फिर आप चैनल क्यों नहीं खोल सकते मैंने कहा चलो बसमिल्ला करते बिसमिल्ला करते और बैठ के फिर उसने कहा स्टॉक मार्केट मुझे मार्केटिंग और सेल्स में इंटरेस्ट भी नहीं है न मैं वो इसको बिज़नेस का और दोनों ही बिजनेस से थे तो ये बैठ के करते थे आज भी मेरे पैसों का हिसाब किताब शायद मोमना करती होगी या दुरी करता होगा मुझे तो पता ही नहीं होता है थोड़ा सा पीछे जाते हैं पास्ट में आप सी एस करना चाह रही थी लेकिन फिर आपके मास्टर्स के दौरान आपकी शादी हो गई नहीं मास्टर के दौरान नहीं हुई नहीं थी अच्छा ये आ, तो हाँ हाँ वो हाँ। है आ, मैं बी ऑनर्स में थी तो मेरी शादी हो गई और जिस दिन मैं पेपर दे के आई थी उस दिन मेरा मायों था रिजल्ट बाद में आया था तो मेरी सी का था हमारे घर में पढ़ने लिखने का बड़ा था क्योंकि कोई बहन डॉक्टर थी कोई कुछ कोई कुछ उस जमाने में डॉक्टर ज़्यादा करते थे तो मैं कह दो भाई सी एस एस उन्होंने किया तो मैं तो वही करूँगी अमा का ठीक है अब वो होता था कि आप जब तक ट्वेंटी वन की ना हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते okay. और आई वाज नाइनटीन तो उन्होंने कहा जी इनको कराएँगे मास्टर्स भी कराएंगे और वो भी इन एकसें एकसें ने प्रॉमिस हाँ, किया तो हाँ उनकी फैमिली ने बड़ा किया और वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे शादी को वरना मेरी माँ शायद तो फिर वो नहीं हो सकी लेकिन इसको भी मैं सोचती हूँ कि जो उधर लिखा गया था और बेहतर लिखा गया था ओके। अगर मैं इसी एस करती क्या होता अभी तक रिटायर होके बैठी होती अम्मा तुम बैठो घर में हो जाती <laughs> <laughs> और क्या होता अपना बिजनेस होता है तो बंदा चलता है ना तो वो था फिर मैंने जाहिर वो नहीं कर सकी और six, बाद मैं अपने आ गई ये तो एक साल का था और मैं छब्बीस साल तो जब आप वो छः सात साल जो आप मैरिड थी कितना टफ था वॉज इट वेरी टफ तब आपने सोचे अपने खाब अप कर दिए थे एक्सेप्ट कर लिया था क्या चल रहा था नहीं देखें हमारे जो वक्त थे हमारे पास डिवोर्स तो कोई सोच ही नहीं सकता सोच ही नहीं exactly मैं। ना तो वो उस टाइम तो, पे तो बहुत बड़ा टैबू था वो सारा और दूसरा ये था कि मैं जिस तरह की शरीर थी या ये तो मुझे एक खौफ भी था अगर मैंने कोई मुंह खोला तो लोग कहेंगे ये तो ये सी, ऐसी डांस uh, ड्रामा एक्टिंग पेंटिंग इट डिबेट्स तो मैं तो उस वक्त भी बहुत उसमें थी टीचर्स की भी फेवरेट और ये वो तो मैंने कहा कि कहीं ये ना हो कि ये तो छोटी बहन अभी पढ़ रही थी डॉक्टर और हम दोनों साथ पढ़ते थे तो मैं कहा ये सब क्या कर और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई अच्छा बुरा था मैं समझती हूँ दो माइंड मिल नहीं पाते और आप शादी करते हैं उस लड़की से जिसकी ये सब चीज़ें आपको पसंद होती हैं और फिर आप उनको जब कोजे में बंद करना चाहते हैं आ, तो फिर आप वो चाहत नहीं होती है पजेसिवनेस hmm. yeah. तो वो पजेसिवनेस थी और बस तो उस नहीं चल सकी वी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और मेरा ख़्या उन्होंने भी शायद अपना ट्रैक किया होगा hmm. तो एक्चुअली hmm. मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं हैं कि जहाँ पे ह्यूमिलेट किया जाए या क्या तो वो एक सिलसिला हुआ ना झगड़ा हुआ ना फसाद हुआ वो कहा किसी ने कि मैंने कहा जी ये ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पहले तो मैं बात ही नहीं है छः साल तो मैं कॉँपती रही उसके बाद मैंने कहा कि देखें ये ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी सास बहुत अच्छी थी मैं ये कहूँगी मेरी नंदे मेरे सब चाहते थे जिस जिस चीज़ से शिकायत होती वो मुझे शिकायत नहीं थी मेरा ये ख्याल था कि ओवर पॉजिशिवनेस भी शादी में नहीं चलती और दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं चलता mm -hmm. तो बहरहाल कुछ भी हुआ तो वो ख़त्म हो ही गई वो खामोशी से न, वो कहते हैं न, न न कोई मनाने आया न हम नहीं तुम रूट के ही तो तुम आ जाओ मैं क्यों mm -hmm. तुम क्यों ख़त्म okay. हो गया मामला mm -hmm. आराम से तो फिर बच्चों को जारी अब आता है चैलेंज वाली बात एग्जैक्टली exactly. मैं सारा इसलिए लेकर आई कि अगर हम नहीं लेकर आते सस्ते से तो हम वो बता नहीं सकते कि अब इस सिचुएशन हाँ. के बाद आगे क्या होने हाँ. वाला है तो... देखें मेरे मैंने जो पूरी ज़िंदगी का नचोड़ है हुँ. और जो मैं बताना चाहती हूँ अब और जो मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया सिर्फ अपने आप को नहीं जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि जब तक आपके लाइफ में चैलेंजेस किसी भी किस्म के नहीं आते हैं आप अपनी एबिलिटीज़ को नहीं जानती हम ऐसे ठंड मिजाज लड़कियाँ होती हैं मियाँ के पास पैसा आ रहा है ठीक है अबा ने कार्ड ले ली थी, ठीक है जब एक थप्पड़ पड़ती है ना तो सही <laughs> है उसके बाद आदमी को उठ के सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है और फिर आपके पास छोटे से तीन बच्चे और वो मेरी बहन भी मुझसे अक्सर क्वेश्चन करती है कि तुम्हें तो डर नहीं लगा मैंने करने मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत थी और दूसरा ये था कि पता नहीं मुझे जो वो था ना कि जो वो कर सकता है मैं क्यों नहीं? नहीं तो मैंने शुरू किया लॉक करना मेरे भाई के साथ वो, वो उस वक्त फाइनेंस सेक्टरी थे मज़र से दी कि जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी रही टिल टुडे बच्चे और वो उसको ही अपना समझ तो खैर मैंने वो किया वो मुझे घर से बड़ी इंकरेजमेंट मिलती एक तो चैलेंज आपको वो करता है वो मेरे अंदर शायद वो था जो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम में हिम्मत बड़ी होती थी फिर दूसरा जो है ए, मैं लड़कियों को भी कहती हूँ बाबा घर से पंगा ले ना लेना तो भाई बहनों को साथ मिला हाँ। के चलो आप तो मुझे मेरी माँ थी मेरी बहने भाई वो मैं जारी डिप्रेस तो होती ना तो ठीक तो उन्होंने कहा क्या नहीं तुम उठो तुम करो तुम तो ये और फिर क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव थी एक्टिव हाँ, थी, थी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की यानी साइंस और उसमें मैं स्पोर्ट्स की कैप्टन के, थी तो फिर जो लोग टीवी खुला और टीवी में गए तो वो मुझे ढूंढ रहे थे कहाँ हैं इसको बुलाएं कंपेयरिंग के लिए इसके लिए तो बस इस तरह फिर मैं वहाँ गई और आने के बाद मैंने फिर पहला मैंने कंपेयरिंग की थोड़ी फिर उन लोगों ने ड्रामा मैंने दो प्लेस लीड रोल किया एक अमर जलील का ही लिखा हुआ था बेचारा आजकल मुश्किल में और दूसरा उसके साथ मंजूर कुरेशी मेरा हीरो था तो वो मैंने किया जी दूसरा भी मैंने रीजनल किया उसमें थोड़ा इश्क इश्क नहीं का था नहीं ये मेरा काम नहीं है हाँ। उन्हीं दिनों फिर प्रोडक्शन वो डायरेक्टर वगैरह ने गए अच्छा मैं जो अपना प्रोग्राम करती थी पूरा साल दो साल के जिसमें मैं भी आई दो से भी आए मैं रीजनल प्रोग्राम करती थी होस्ट करती थी और ऑडियंस बेस्ड होता सिंधी था में और, थी थी सिंधी में करती थी आप सिंधी में करती थी मैं शुरू में करती ही रीजनल इसलिए थी कि वो जल्दी ख़त्म होते थे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी बच्चों के पढ़ाने की करने की इधर की उधर की कि मैं उसमें तो फिर मैं वो करती थी तो मैंने टेस्ट दिया उस जमाने में बड़ा सीरियसली रिटर्न टेस्ट होता था वाइवा होता था पूछते क्या थे वाइवा में में और रिटेन में क्या आपसे किया देखें एक तो वो ये, बात करें पीटीवी की जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई करें तो टेस्ट होता था जो दिया। मैंने मिस कर वो जब मैं पी में थी तो ये मैंने पहले तो ये प्रोग्राम्स किए उसके बाद पूछते क्या थे एक उस जमाने में अच्छा इसलिए था कि एप्टीट्यूड देखा जाता था ओके तो जाहिर है मैं तो सारे इतने सर्टिफिकेट थे डिबेट्स के तो डांस के तो ड्रामों के तो इस मैं अपने लिखती भी थी तो वो सारी चीज़ें तो इसीलिए मैं क्या करती थी जब मैं अपना प्रोग्राम करती थी उसका स्क्रिप्ट लिखती थी तो ये सब कहते थे आप क्यों नहीं आती हैं एज ए प्रोड्यूसर आप डायरेक्टर बन जाए आप आ जाए तो इस तरह से वो हुआ और फिर मैंने वो दे दिया एग्ज़ाम दिया और मैं कंपेयरिंग भी कर रही थी तो जिस दिन मैं आई तो नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा कि सिलेक्शन में, में मेरा भी नाम तो पता नहीं कितने लोगों ने दिया उसमें शुयब मंसूर ये लास्ट हमारी शुएब मंसूर थे वे थे नजम था हैदर इमाम था गजन फर अली था ये बहुत बड़ी अच्छी लाट सारा वो जो क्रीम थी, थी। वो आपके आप लोगों के बैच बारे हाँ, में उससे था पहले भी अच्छी थी और थोड़ी ये जो अपने शहजाद खलील वगैरह तो पहले के थे हम हम ज़्यादा वो रीसेंट के बाद क्योंकि उस वक्त ट्रेनिंग्स होती थी तो फिर हमारी ट्रेनिंग भी और जो बारह महीने चलनी थी लेकिन ट्वेल्व मंथ हो गई उसके बाद हमारा जो है वायबा भा हुआ और फिर मेरा ख़्याल 35 थर्टी फाइव में से शोब का क्या नाम तीन सेलेक्ट हुए थे मेरा ख़्याल okay. <laughs> है चार या पांच जो कि टेस्ट में पास हो हुँ। हुँ। तो वो और वो मेरा शायद इंटरेस्ट था क्योंकि मैं शुरू से ही और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैं खुद हूँ मैं एक चीज़ सबको कहती हूँ उस दिन मैं अपनी बहू को भी समझा रही थी रही ये पता नहीं मैं करूँ नहीं करूँ क्या है कब तक करूँ या कुछ तो मैंने कहा बेटा बात सुनो या तो वो काम करो जो आपकी इंस्पिरेशन हो जिससे आपको मोहब्बत हो या फिर वो काम करो जिसमें तुम पड़ गई हो उससे मोहब्बत करो मैं विदाउट मोहब्बत समझती हूँ कोई काम नहीं हो सकता ये चाय भी आप प्यार से बनाएंगे तो अच्छी होगी मैं माई को भी कहती हूँ कि भाई प्यार से सफाई करोगी ना तो कोना कुदर तुमको नजर आएगा तो मैं सारी बच्चियों को कहती हूँ कि वो काम करो जो तुम्हारी दिलचस्पी का, का हो या वो काम जिस जो भी आपका है तो वो क्योंकि बेदली का काम आपका नहीं ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप अपना बच्चा पालते जितना उसको ज़्यादा उस पर तोज्जो देंगे वो अच्छा पड़ेगा मैं सिर्फ ये इसलिए मैंने किया कि हमें जो नज़र आते हैं लोग इतने इस्टेब्लिश उनके पीछे भी एक कहानी होती है एक स्ट्रगल होती है तो मैं उसको टच करना चाह रही थी कि सुल्ताना आपा ने भी देखा है ज़िंदगी में बहुत कुछ फिर इस तक पहुँची हैं कितने इम्प्लॉज़ से स्टार्ट किया था आपने हम टी कौन था पहला इम्प्लॉयी अदर देन द फैमिली नहीं नहीं वो तो हमारी फैमिली में तो दो ही वो ये हाँ, बंदे थे ना वो फैमिली में बड़ा बेटा भी मुझे सक... होगा ना कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोग हायर कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट हाँ उस वक्त मेरा ख्याल है हम फिफ्टी फिफ्टी टू थे जब हमने शुरू किया अच्छा। और सब दौड़ते थे मैं एक एक प्रोग्राम को देखती थी दौड़ती थी भागती थी ये वो तो ये सारी सी चीजें होती थी और जो आप चैलेंजेस की बात मैं इस पे आती हूँ जो आपका क्वेश्चन है चैलेंजेस की बात इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ उस पर वो करें कि देखें आप झिझोड़ें अपने आप को ढूँढें अपने आप को निकलें काम के लिए तो क्या मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ और उसके लिए एफर्ट करें औरतों को वैसे भी डबल एफर्ट करनी पड़े तो डबल चैलेंजेस होती हैं आपके लिए उंगली हमेशा यूं रखी होती है कि कोई गलत करो और हम कहें कि देखा लड़कियाँ होती ऐसी हैं बड़ा नाजुक हमारे लिए बात होता है जिसमें चलना पड़ता है तो बच्चियों को मैं अभी न्यूज़ में भी यही समझा रही थी मैंने कहा अपने आप को संभालना चीज़ें करना हमारा काम है हम लड़की हैं ठीक है, है। लेकिन तुम यूँ समझो हमें डबल काम करना पड़ता है तब तो प्रूव करना पड़ता है सही बात घर में भी अच्छी बहन अच्छी बेटी अच्छी बीवी अच्छी माँ अच्छी ये बहुत अच्छी बात है हम काबिल हैं इसके कि हम कर लेते हैं, हैं।, हैं। एक मर तीन बच्चे संभाल के देखे और उनको इस काबिल बनाए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे बहुत अपने बच्चे। बहुत बहुत, बहुत और टॉप पे अपना अपना काम कर रहे हैं मेरे बड़े भाई का कहना था कि लोग प्राउड होते हैं कि तुम पाकिस्तान के लिए अच्छी हो ये हो वो हो तुमने बहुत अच्छा काम किया मैं अपनी बहन के लिए प्राउड उसने तीन बहुत अच्छे बच्चे पाले बहुत इंसान पाले हैं जो के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में हुँ, हुँ, सही बात है। तो वो मुझे खुशी होती है कि क्योंकि मेरा गोल तो यही था ना कि उनको अच्छा इंसान बनाऊं। ये जो मारपीट आजकल हो रही है आप मुझसे करें क्वेश्चन तो भी ठीक है मैं नहीं तो मैं <laughs> 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 नहीं आप बोले <laughs> <laughs> कर दीजिएगा <laughs> ये सोसाइटी में जो गड़बड़ होती है मैं तो लड़कियों को कहती हूँ कि देखिए ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने ना? बच्चों को किस तरह पालें एज मदर्स एज अ मदर बिल्कुल हम क्या करते हैं कि माँ की तो इज्जत करो बीवी ने कोई थोड़ा किया है तो ले थप्पड़ या कोई अगर डांट रहा है तो वो खुश हो जाते हैं हुँ. अगर सास से थोड़ी गड़बड़ हो भी गई कर भी लिया तो भी आप बीवी को डांट टपट क्यों करें भाई हुँ. प्यार से बात करें तो एक तो तरबियत घर से होगी जब आप कहेंगे कि औरत की इज्जत तो फिर सड़कों पर भी औरत की इज्जत होगी सही तो कह रही बिल्कुल और ये कोई कपड़ों से या उनसे नहीं ये जहन की ख़राबी होती है तो जब तक हम अच्छा इंसान बनाएंगे तभी आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, और घर में या और फिर मैं मर्दों को भी कहती हूँ मैं अपने ड्राइवर्स और इनके साथ बैठ के उनको आजकल सबको लेक्चर देती रहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो तो अच्छे बच्चे पढ़ें हाँ। मैंने कहा तुम्हें तो घर में जाके अपनी बीवी से बेहतरीन सलूक किया करो जब तुम उसको मेंटल पीस दोगे और उसको रिस्पेक्ट दोगे तुम्हारा बच्चा अच्छा इंसान पढ़ेगा किताब पढ़ के अच्छा इंसान नहीं बनेगा वो देख रहा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं स्पेशली बाप क्या कर रहा है मैं मोस्टली जो अपने घर के बाहर के बहन भाइयों के तो मेरी छोटी बहन जो डॉक्टर वो अक्सर हंसती है कि तुमको ये शुरू से ही वो शौक मैंने कहा आज कल तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पड़ोस के भी नौकरों को सबके घर जाऊँ और कहूँ कि सैटरडे को एक घंटा दे दिया करो जिसमें दूँ तो मैं इनको बताऊँ किस तरह से घरों में चलें बच्चों को पालें बीवी की इज्जत करें तब ये सोसाइटी को मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा आइडिया करना चाहिए और नहीं कर भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ अभी मज़ीद तो करूँगी अच्छा ये बताएं कि इतना कुछ किया है आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह से इतने अचीवमेंट्स uh, हैं जब इंसान ने इतनी चीज़ें की भी हों तो मुझे लगता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अपने आप को अप्रिशिएट करना थोड़ा सा उनके लिए ना एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है लाइक like, वो करते नहीं हैं हाँ हमने तो ये भी कर लिया ये भी कर लिया वो वो विंकिंग नहीं होता कि वी हैव डन सो मच तो आपके साथ ऐसा है जब आप सुबह उठती हैं तो आपको होता है कि वाओ मैंने ये भी किया है मुझे ये अवार्ड भी मिला है नॉट इन द सेंस कि गरूर हो बट फीलिंग यस मैंने ये किया है सेल्फ वो जो कहते हैं ना आजकल मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव की बात मैं उसको इस कैटेगरी में ये कुछ होता है आपके साथ कभी नहीं नहीं क्या मुझे रिसेंटली मैं कुछ कह रही थी आ, मैं रोज एक नया चीज़ नई चीज़ ढूंढती हूँ करने को और मुझे लगता है अब मेरे पास टाइम है मुझे करना चाहिए नई चीज़ ना तो मैं और मैं हर चीज़ में ये सोचती हूँ कि अभी तक तो मैंने अपने लिए फ़ैमिली के लिए और थोड़ा इधर के लिए किया अब मुझे सोसाइटी के लिए करने चाहिए okay. तो मैंने एक कराची फिल्म फेस्ट सोसाइटी okay. जो है बनाई okay. वो सिर्फ इसलिए बनाई hmm. कि मैं बाहर जाती रही कि ये जो हमारी फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं hmm. चीज़ें होती हैं hmm. बच्चे इतने टैलेंटेड हैं यहाँ पे मैंने देखा जो मैं वर्कशॉप्स करती हूँ इन लोगों के लिए इसी फिल्म सोसाइटी के अंडर में कि लियारी के औरंगी के कोरंगी के, के उनके पास मसायल नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम है कि जो कुछ मेरे पास है मैं, मैं सोसाइटी को रिटर्न करूँ तो मैं म, और बिल्कुल इस तरह जैसे एस आई यू टी चलता है जैसे इंडस चलता है देखें वो हेल्थ में थे तो हेल्थ में गए मैं अपने जिस काम में हूं मैं वो चाहती है। मैं चाहती हूं कोई अकेडमी खोलूँ तो अगर कोई स्कूल खोलने में हाँ मैं खोलूँगी है। है। तो इन शाला अगर गवर्नमेंट ने और साथ दिया तो ठीक है नहीं तो जहाँ तक मेरे वसायल होंगे मैं अपना कर लूँगी नहीं भी तो मैं इस फिल्म सोसाइटी के तहत मैं इनके वर्कशॉप्स करवा रही हूँ अभी हमारी होने वाली अप्रैल मई में, में ये हमारी फिल्म फेस्टिवल वो कॉन्स्टेंटली मैं करती हूँ और तो ये मेरा एक है कि उठ के मेरा दिल ये चाहता है यार ये नहीं हुआ न मुझे नहीं हुआ पहले तो मैं उठती हूँ बग़ैर किसी सोचे ये सब को मैं कहती हूँ कि उठते के साथ शुक्राना करना चाहिए मैं अपने बच्चों को करती हूँ कभी कभी मेरा बेटा कहता है अभी तक ये काम नहीं मन महीने का शुक्र करो ये तो मेरे लिए भी नसीहत है मुझे मुझे तो सबसे ज़्यादा नसीहत की जरूरत है हाँ। इसके है मैं सच कहती हूँ आप लोग सब लोग हाँ। शुक्र करें जब हम उठते खड़े हो गए आज हमारा हाथ काम कर रहा है हमारा माइंड काम कर रहा है आज के लिए ये हो रहा है तो ये शुक्राना मुझे डेफिनेट होता है और अरसे से होता है कि हो है, और व्हाट नेक्स्ट जो मैं और, और मेरे शायद ऑफिस वाले जो बैठे हैं वो सुन भी रहे मैं अपने वे में मैंटोट भी करती हूँ लोगों को समझाती भी हूँ लड़कियों को बिल्कुल अलग वे में लड़कों को अलग कि आपको क्या अलहमदिल्ला सोलह साल हो गए सिक्सटीन ईयर्स हो गए ना हमें हमारी नॉट अ सिंगल वुमेन हेरासमेंट हमारी कोई अभी तक अल्लाह ना करे मैं तोबा के साथ कहती हूँ क्योंकि अपना बच्चा भी ख़राब हो तो मैं क्या कर सकती हूँ hmm. लेकिन उनको पता है कि कौन बैठा है ऊपर और अब तो trusting. वो भी इतना और उनके लिए खुला माहौल अच्छा तो वो कर थर्टी परसेंट मैंने हम लोगों ने कहा है कि थर्टी परसेंट लड़कियाँ होनी चाहिए न्यूज़ में और यहाँ पे कम्पलसरी किया गया कंपलसरी मेरा सवाल यही था मैं पूछता हूँ एल थी पदाना बहुत जवाब है कि हम में क्या आपने ऐसे एक्शंस किए हैं जिससे औरतें सेफ़ एंड और सिक्योर हैं औरतें आगे जा रही हैं और औरतों को फैसिलिटेट करें हैं काम के लिए मैं ये समझती हूँ कि एक तो ख़वा को हर जो बड़ा जो भी काम हो रहा है उसमें ख़वात को ज़्यादा होना चाहिए जब ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तो एक माहौल बनेगा क्योंकि लड़कियाँ अपने आप को बड़ा वो रखती हैं सेव करती है। अच्छा दूसरा टॉप लेवल पे आप लड़कियों को ले अब मेरे पास जो है मेरी हेड है भी वो है हमारे पीआर में भी खुशीद है इस तरह दूसरे हैं ये तो हम जो टॉप लेवल में अगर ज़्यादा आप ख़वान रखेंगे ना एटमॉस्फेयर अच्छा होगा नेचुरल होगा कहना नहीं पड़ता है तो जैसे बच्चों को हम पालते हैं ना तो वो देखते हैं माँ क्या चाहती है बचपन से उनके जब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनको पता है कि इसका क्या कल्चर है इसका क्या तरीका है सब चीज़ माफ हो जाएगी ये नहीं होगी ओके okay. okay. हाँ ओके है ना ठीक तो आपने एक कॉन्शियस एफर्ट किया है कि आप लीडरशिप रोल्स में फीमेल्स को लेकर आएँ मैं इसलिए पूछूँ कि हम हमें देखने वाले बहुत से अगर कोई ऑफिसेज़ के लोग हैं इंस्टीट्यूशन के लोग हैं जो जो भी ऐसी पोजिशन में उनको आपने कुछ रूल्स रखे हुए हैं कुछ आपने गाइडलाइंस दी हुई है कि कोई डिफरेंट चीज़ की हुई है कि ये नहीं हो सकता टू प्रोटेक्ट वुमेन टू फैसिलिटेट इट फॉर देम कुछ ऐसा है या नेचुरली ही बिकॉज आप टॉप पे हैं इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि औरतें कंफर्टेबल हैं कुछ अगर एक आप टॉप लेवल पे है? वैसे भी अगर ख़वान होंगी तो इन्वामेंट बेहतर होगा पहली चलिएगा दूसरा मैं कॉन्शियसली ये कोशिश करती हूँ कि लड़कियाँ मुझे पता है कि एडिट में लड़कियाँ ज़्यादा नहीं आती हैं कैमरा पर्सन नहीं होती हैं अभी दो हमारे पास कैमरा पर्सन हैं तो एक छोड़ रही थी मुझे बहुत दुरैद की बात अच्छी लगी तो क्या हुआ कि कहने लगी कि छोड़ रही हैं तो वैसे अक्सर एच पूछता है क्यों छोड़ रहे हैं क्या दुरैत ने कहा वो क्यों छोड़ रही है ओके तो उसे एच से तो एच ने कहा वो इसलिए छोड़ रही है कि वो कहती है कि मैं जब बाहर शूट करने जाती हूँ तो जब रश में जाती हूँ और न्यूज़ है तो वहाँ जब जाती हूँ यूँ हाथ वाथ कर तो समटाइम्स लोग जो हैं वो ठीक बिहेव नहीं करते बॉडी को टच करते हैं तो मैं अनइजी हो जाती हूँ तो उसको जब पता चला तो उसने उस लड़की को बुलाया उसने कहा कोई बात नहीं मैं अगर आपको स्टूडियो में रखूँ तो आप करेंगी उसने कहा ठीक है अभी मैं मैं जब भी इस्लामाबाद जाती हूँ तो लड़कियों से मीटिंग करती हूँ तुम्हारी okay. क्या प्रॉब्लम तो मैंने कहती हूँ अननेसेसरी प्रॉब्लम ना बताना हाँ, सही बात है, हाँ। यह ना बताना इससे मुझे ये कह दिया वो कहते हाँ। ये तुम्हें बचाना हाँ। कोई ऐसा है जो तुमसे आगे की बात हाँ। या ये नहीं तो किसी ने मुझे कहा मुझे गाड़ी का हम लोगों ने फिर मैंने कहा ये ठीक है फलान चीज पॉइंट तो दूसरी कैमरा पर्सन थी तो उन्होंने कहा ये मेरे साथ जाती है असम्बली में पार्लियामेंट में ये मेरे साथ होती है

देखिए वो मजबूत औरत जो होती है बच्चा भी अच्छा पालेगी अपने को भी संभालेगी मियाँ को भी संभालेगी सही बात मैं मज़बूत बाह रही हूँ रिबेलियस नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे उस बच्चियों पे भी होता है जो कभी कभी बाकी भाई उनको क्यों करने देते हो बगावत अगर वो बैठी है टैलेंटेड है तुम्हारी बहन है तुम्हारी बेटी है तो उसके टैलेंट को सुनो उसको सुनो आगे लाओ अभी हमने जो वुमेन लीडर अवार्ड किया था, था उसमें हम एक मर्द को अवॉर्ड देते हैं बाकी तो इंटरनेशनल ही होता है आप लोगों ने अगर देखा हो ऐसी ऐसी ख़ुत को मैंने लिया भैया क्या जिक्र करूँ वो है उस पर आप लोग देख सकते हैं ए, यूट्यूब पे या इस पर उसमें एक फादर को जिसको हमने इस मरतबा दिया उसकी पाँचों लड़कियों ने सी एस एस किया है और वो ऑर्डनरी सा बंदा था तो अगर हम इस तरह की इंक्रेजमेंट करेंगे बिल्कुल तो, तो ये है क्योंकि जब बाप खड़ा हो जाएगा बच्ची के लिए बच्चा कितने गरीब हो कितने अमीर हो मुझे लोग कहते हैं हमारे जो है ना मामू चाचा सब लोग मैंने कहा अब्बा कैसा है मैं बापों को बुला के समझाती हूँ तुम इसके साथ जाओ छोड़ आओ ले आओ जब ये कॉन्फिडेंट हो जाएगी तो खुद मेरे कुक की बेटियाँ हैं नो माशाल्लाह नौ की नौ को वो उसने पढ़ाया अब तो वो कहीं और फिर मैंने जवाब दिला दी थी किसी उसमें नौ को नौ ने क्योंकि उसने माहौल देखा वो एक तो हमारे साथ यहाँ काम करती थी एक बैंक में कर रही है एक ई एफ यू में कर रही है तो मैं तो खुश होती हूँ नहीं बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत बहुत ही खूबसूरत बातें आप शेयर कर रही हैं नहीं क्योंकि देखें ये जो अंडर प्रवलिश लोग हैं ना ये हमारी जिम्मेदारी है सही कह रही जो प्रिवलेज लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं और मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ तुम लोगों से ज़्यादा तो मेरी ये खिदमत कर रहे हैं मैंने सोचा है अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने बच्चों को तो पैसे जिनको देने थे, दे दिए मैं तो अपने नौकरों को दूंगी मैं ऐसे इंस्टीट्यूट को दूँ वो कहते हैं ठीक है ये है काम करना चाहिए जो आप कहती हैं ना आप उठती हैं तो कहती हैं क्या मैं थक गई या ये मैं, मैं घर में उठती हूँ थकती हूँ यहाँ बैठती हूँ मैं इस तरह ही हो जाती हूँ <laughs> <हुँ। laughs> और जज्बा और जो हम देख रहे हैं <laughs> अच्छा मुझे बताएं हम टीवी जो है ना उसके ड्रामों की एक अपनी फील है ठीक है दे आर अ क्लास ऑफ देयर ओन आई वुड से लेकिन एट द सेम टाइम एंड बहुत खूबसूरत टॉपिक से बात होती है बहुत जगह सेंसेशनलाइज नहीं किया जाता चीज़ों को जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है आई आई फील दैट वे ठीक है हाँ. लेकिन उसका एक थोड़ा सा मुझे लगता है ये भी इफेक्ट होता है सैड टू दैट कि व्यूज़ कभी कभी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पे वो नहीं आते हालांकि वो खूबसूरत प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहीं और दूसरी जगहों पे आ रहे होते हैं अब जैसे रकीब से चल रहा है सफर तमाम हुआ अमेजिंग ड्रामाज बोत ऑफ दम अमेजिंग ब्यूटिफुल ड्रामाज आई मीन राखीब से तो मुझे लगता है कि ये क्या चीज़ है ये you नो know, इतना डिफरेंट इट्स सो इट्स इट्स पोइट्री दैट दैट यूर सी तो जो ये हाउ यू बैलेंसड आउट ये जो व्यूज़ नहीं आते ये मतलब ये एक सोची समझी आपकी एक स्ट्रेटी है जो okay, कि आपने कह लिया मैं कॉम्प्रोमाइज़ ओके वो आई वॉन्ट टू से आपने कह लिया कि ठीक है व्यूज़ नहीं आएंगे नहीं आएंगे ये मेरा काम है मुझे करना है हम करेंगे नहीं, या या नहीं। हाँ, आप साथ में ये होता है कि नहीं ये दो हैं ये दो हम और प्रोड्यूस करें जिससे यहाँ जो व्यूज कम हुए यहाँ से हम लेके बैलेंस कर लेंगे क्योंकि मार्केट तो बहुत तेजी से चेंज कर रही है मूव कर रही है कंपटीशन तो है उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते नहीं। तो क्या चल रहा है हम टी की मैनेजमेंट या टॉप लेवल या कॉन्टेंट के दिमाग में देखें ये तो तय डे वन से हमने किया था कि सोसाइटी से देखें आपको ये पता होगा कि पाकिस्तानी ड्रामा मैंने ही स्टार्ट करवाया था वरना तो अभी तक आपका इंडियन का वो सोप्स चल रहे होते साजिशों वाले और चीज़ें और बच्चों पे वो जो असर पड़ रहे थे तो वो मैंने किया और मैंने सोचा सोसाइटी से हम उठाएंगे चीज़ें जो सक्सेसफुली हुई और आपने जैसे कहा कि उसको जो हम आ, न तो ग्लोरीफाई करते हैं ऐसा सब्जेक्ट न तो उसको सेंसलाइज करते हैं लेकिन आ, तरीके से जैसे उडारी था कंकर था इस तरह की चीज़ें हैं या हम सफ़र या कोई भी आप कर रहे हैं हम सब्जेक्ट उठाते हैं और अच्छा उसमें कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जैसे उल्लू बरा फ़रख था या ये था आप जैसे हमारे जैसे और बहुत से दो लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसे सब्जेक्ट दूँ और दे, और देने चाहिए उसमें एक तो रेटिंग नहीं आती कोई बात नहीं दूसरा रेटिंग आई एम सॉरी मैं बिल्कुल अच्छी तरह कहती हूँ इस वक्त रेटिंग सही नहीं चल रही है आप पी और दूसरा जो दूसरा है क्या है जो दो और भी हैं थ्री उसमें मेरी रेटिंग जो है टॉप पे होती है फ्लक्चुएट करता रहता है आगे पीछे आप, वो जो है दूसरे जो भी इंटरटेनमेंट चैनल उसके थर्टी फोर्टी परसेंट नीचे होते हैं और मुझे नहीं पता क्यों मीडिया लॉजिक पे आजकल हमारे साथ मेरी ये बड़ा बड़ा बराबर लड़ाई हो रही होती है कि भाई जो दो और हैं जो कि मतलब आपकी रेटिंग दे रहे हैं लेकिन आ, क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं है या क्या लेकिन उसका आ रहा है और वो तो रियल उस पर उसी वक्त व्यूअरशिप okay. आ रही होती है okay. तो हमारी बात चल रही है तो इसमें बहुत से, से लोगों के इंटरेस्ट भी है लेकिन मैं ये सिर्फ ये भी नहीं कहूँगी कि वो कहते हैं कि जी वो बेड कारपेटर अब वाला हिसाब है कि अपने आ, उसको ही आप जो हैं बैठ के करें तो आई मीन टू से अच्छी चीज़ अच्छी होती है हमारे रेट सबसे ज़्यादा हैं मार्केट में क्योंकि मैं जानती हूँ ये रेटिंग कम जब होती है ना तो हमारा जो इस्पॉन्सर है वो कहता जी देखें आपका तो रेटिंग है नहीं, नहीं। लेकिन उसको पता है कि वहाँ पे कुछ हुआ है। कुछ हो रहा है इसलिए वो अभी तक हमारे साथ लगा हुआ है तो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और इन क्योंकि लोगों को घर पता होते हैं चीज़ें पता होती हैं उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं तो पहली बात तो मैं इस रेटिंग से अभी इतनी नहीं हूँ बाकी आपके वो चीज़ के जो कुछ टिपिकल ड्रामे हैं उसकी रेटिंग नहीं है हाँ वो नहीं होती है लेकिन लेकिन आई एम ओके विथ इट क्योंकि आप लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो अच्छा लिटरेचर वैसे ही कम पढ़ा जाता है <laughs> जो ऐसा है बेफजूल हाँ। सा लिटरेचर होता है वो आवाम में बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एजुकेशन भी तो इतनी हाँ। एजुकेशन है ही नहीं हाँ। तो फिर क्या हो लेकिन वही बात है ना थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो मे बी पाँच परसेंट दो परसेंट कन्वर्ट होते रहें बिल्कुल होते हैं और मैं कोई ऐसी चीज़ दे देती हूँ तो आप जैसे लोग कहते हैं सुल्ताना हम तुमसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे

मुझे लगता है मेरा ये ख्याल है एंड आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग और ये कम्यसेशन भी चलती रहती है अगर एक फेयर ऑडिशंस हो तो डू यू फील कि इंडस्ट्री में बैलेंस बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री जिसमें एक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत से बहुत से जो प्लेयर्स हैं एक ड्रामे को बनाने में या एक प्रोजेक्ट उनका जो बैलेंस है पावर का या जो बैलेंस है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा आजकल बहुत ये ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे जितनी ज्यादा फॉलोइंग है वो ज्यादा मे बी दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं शायद तो ये यू यू फील के इससे ज्यादा लोग सामने आ सकते हैं हो सकता है और ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मीडियम बन सकता है फेयर ऑडिशंस जो नहीं होते हैं आजकल या ऑडिशन ही नहीं होते फेयर तो मैं बाद में बोलूंगी मेरा ये ख्याल है कि ये सोच आपकी नहीं नहीं हूँ क्योंकि प्राइवेट चैनल हमेशा चाहेगा अच्छा। कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूं ये उन चैनल्स में तो हो सकता है कि जो सरकारी हो फला हो उसमें तो आप इन्फ्लुएंस वगैरह एक्टिंग या आर्ट ऐसी चीज़ है कि अगर वो है तो और लोगों ने वाह की तो आप उसी को चढ़ाएंगे ना एक दफ़ा तो आप ऐसे दे सकते हैं नहीं। नहीं। लेकिन कांस्टेंट आप नहीं एक दफ़ा आप शायद मुझे भी कोई कहे मेरी भतीजी है मेरा भानजा है सही बात है मैं कहूँगी यार वो जब ऑडिशन के लिए भेजती हूँ वो कहते हैं कि आप इतनी अच्छी नहीं थी मैं कह, छोटा रेल दे के देखो हो सकता है ऑडिशन में मेरे हो अगर अच्छी आती है तो लोग धड़म से निकल आते हुँ। हुँ। आप देखें अहद को देखें हुँ। आप हुँ। फवाद जब दास्तान में आया था तो यूं लोगों को नज़र आया इस तरह से बहुत से लोग प्राइवेट चीज़ों में आपकी आ, सिफारिशें एक्टिंग में नहीं चल सकती okay. मेरा एक चीज़ मैं अपने लिए ज़रूर करूँगी और क्रेडिट भी लूँगी कि जितने हमने राइटर्स बनाए जितने हमने पढ़े लिखे घरों से लड़कियाँ लड़के लेके जो है वो आ, आर्टिस्ट बनाए तो वो है स्टेज के आर्टिस्ट ले आते हैं फला बहते हैं हमारे पास तो खैर नहीं मैं तो जनरल जो आपने भी जनरल बात की है हम तो बिल्कुल एक आधा तो सिफारिशी देखें होना जायज़ बनता है किसी का मैं सब की बात कर रही हूँ लेकिन सिफारिशी में अगर वो गुण नहीं होगा तो आगे नहीं चलेगा तो दो पॉइंट्स है मेरे एक तो ये कि जब तक आई नो के एक एक्सीलेंट जैसे आपने कहा है और उसको बहुत अच्छा जाना लेकिन जब तक हमने किसी दूसरे को और दिया ही नहीं तो हमें क्या पता कि एक्टर बी उस रोल में शायद एक्टर ए से ज्यादा परफॉर्म बेहतर कर सकता अगर ऑडिशन होते तो शायद हमें पता चल जाता ये एक चीज होते ओके okay. मैं आपको बताऊँ अभी कौन सा था बड़ा पॉपुलर था जो वहाँ पे जिसमें वो गिलानी लड़के ने भी किया था हाँ सवाल थैंक यू तो तो वो आपने ऑडिशन दिया हमने ठीक है और ये नहीं कि कोई जानने पहचाने वाले अच्छा किया उसने जी। उसमें मुझे तो जो बाप बना था सबात का वो तो, आ, तो है, है मुझे कमाल हाँ। मैंने कहा बहुत हाँ। अच्छा हुआ कि वहाँ जाके कहीं नए फेसेस तो मिले आपके फिर एक शायद बहन बहन भी बनी थी कोई छोटे टुक तो अभी हम जैसे इस्लामाबाद गए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे वो टिपिकल जो थे वो भी हैं ये भी हैं लेकिन ज़ाहिर बात है जो मंझ जाता है ना फिर उसकी डिमांड भी तो होती है सही बात है तो ये चीज़ है ये जो <laughs> लोग खाम का एक्टिंग करा लेते हैं ना वो एकदम के गले चारी ही पड़ जाती है जब आप स्टार्ट करी थी हम टीवी एक खत आया था आपको धमकी वाला सुना है मैंने <laughs> <laughs> उसकी भी जल्दी से कहानी सुना दे हमें क्या था नहीं वाकई डर लगा था आपको हाँ? ऐसा भी होता है मैं हूँ कि यार ये क्या बात में पढ़ रही देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब तक आप कुछ नहीं करते हुँ. आप बेजर होते हैं लोगों के लिए आपको ना कोई देखता है ना कुछ वो करता है चल पड़ते हैं जब आप उठते हैं किसी भी काम के लिए और सक्सेस आपकी होना शुरू हो जाती है तो फिर आप लोगों के लिए चैलेंज बनते हैं फिर डिफरेंट तो होता है वो सिर्फ लेटर नहीं था जब मैंने शुरू किया तो पहले तो मेरे दोस्तों के थ्रू कहलवाया जाता था कि मेहताब को तो खुशबक को तो दो तीन और मेरी दोस्त सुल्ताना को रोकें वो जो कौन, है कौन रहे ये भेड़ियों की दुनिया है ओ, अच्छा। इसमें ना आए यानी औरत के लिए जो सही और चैनल है। वाले या हाँ। जैसे खुल रहे थे या क्या और ये और वो फिर इस तरह से कुछ हुआ फिर कोई बत्तीस बत्तीस पेपर का पता नहीं कितना था तो वो लंबा सा एक आया कि इसको रोकें और ट्रेन करें ना करें फिर ने कहा बल्कि बजिया मरूम बेचारी उसको भी किसी ने कहा होगा वो चली गई थी और बताए थे उस वो तो जेनविनली कह भी रही होगी वो बेचारी डर रही होगी कि वे ये जा रही है इसमें चैनल खोलने इसके लिए खतरा ना हो फिर खुशबक देखिए हमें तो इसका साथ देना चाहिए और मेरे पास भी फिर आए और वो जो लेटर था वो बस ऐसे ही था कि देखिए हम ऑन करने वाली बात उसके बाद फिर बहुत सी चैलेंजेस जिस तरह आपने कहा कभी रेटिंग गिराना हो सकता है कभी और कोई चीज़ें हो सकती हैं और अब मैं औरत तो रही नहीं एक तो मैं बिजनेस के इनके साथ खड़ी हो गई हूँ ना सही बात है और माशाल्लाह से मेरे सपोर्टर्स भी हैं ठीक है तो वो हुआ फिर किसी ने कहा कि हमारे लिए बस तुम चैनल नहीं निकालो हमारे लिए सिर्फ प्रोडक्शंस करती रहो हम पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ हाँ, प्रोडक्शन ये, ये कर देंगे साल की तुम्हारी प्रोडक्शन हम खरीद खरीद हाँ, हाँ तो ये था फिर वो कुछ नहीं अब आप लोगों ने देखा होगा जब इतना चैनल बढ़ा तो स्कैंडल शुरू हो गया मेरे शेयर्स ख़रीदने शुरू हो गए मार्केट में अभी फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो उसका उतार चढ़ाव शुरुआव हो गया इतना ज़्यादा जानबूझ के जो है कुछ वो करना डाउन करना क्योंकि न्यूज़ चैनल खोला था मैंने तो वो भी एक चैलेंज था yeah. Yeah. तो जो लोगों को के पास आया कि जी टेक ओवर हो रही है टेक ओवर हो रही है कंपनी yeah. तो लोगों ने कोशिश की अभी भी छोड़ते थोड़ी पूरा एक वो आपका चला था जिसमें हाँ। आपके शेयर ज्यादा दूसरे शेयर ज्यादा हो गए थे कम नहीं आपके शेयर के शेयर कम है तो दूसरों को मिला के टेक ओवर कर लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुँ, हुँ। लेकिन मतलब वो चीज सब खत्म हो चुकी हाँ, है हां माशाल्लाह ठीक है वो केस वेस चलेंगे वो लेकिन हमारे पास जो है ना जब औरत चढ़ती है अब तो मैंने कहा ना औरत तो रही नहीं लेकिन जब बिजनेस में भी ये आपके दुश्मन दुश्मनी या क्या कहते हैं चैलेंजेस होते हैं फिर आपको और पर जब भी कोई चैलेंज आए ना मुझे लगता है एक न्यू जिंदगी आ गई अब न्यू क्योंकि मुझे सोचने को मिल जाता है कि ये हुआ क्यों था अब इसको okay. एनालाइज करो और इस गलतियों को पे नहीं करो नहीं करो बट यू रिग्रेट कि आपने पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बिकॉज़ ऑफ दिस नहीं देखें वाहिद कंपनी है हां ये रिग्रेट लोगों ने कहा कि क्यों आपने की सब लोगों नहीं देखें मैं ये कहती हूँ किस तरह पाकिस्तान चेंज होगा ओके okay. एक तो लोग तनख्वाहें पूरी नहीं देते हैं लोगों को टाइम पे हमारी पूरी माशाल्लाह अल्लाह करे इस तरह रहे कि फर्स्ट को आपकी तनख्वाह आ जाती है नो मैटर वॉट ओके ये सब ये मुश्किल वक्त भी आए जिसमें नहीं। पैसे नहीं थे चाहे हमने लोन्स लिए लेकिन लोगों की तनख्वाहें नहीं रोकी ठीक है अगर ऐसा वक्त भी आया जब कि भाई कुछ तनख्वाहें कम करनी पड़ी तो सबको बिठाया के समझाया तो उसमें यह था कि वन लैख से कम की जिसकी तनख्वाह इसका मत कट करो जो अब है इसका थोड़ा सा सबको बिठा के समझाया हालात बेहतर हो रहे हैं ठीक हो जाएंगे सब लेकिन मिला के चलना उनको और मुझे ये कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने पब्लिक लिस्टेड की है अब पब्लिक लिस्टेड की बाहर तो इज्जत होती है ना एज यू सेड कि वो किसी को तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि चीज़ें नई चीज़ें कैसे बनेंगी और हम मैं इसके अंदर से एक तो ऐसा है कि यहाँ की इतनी सी चीज़ भी है ना कि ये हराम है ये बाहर ना यानी चैनल चे, की चीज़ यूँ नहीं यूज़ होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए मैं ये समझती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जब है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका ख्याल रखना या। वो भी तो मेरे पार्टनर्स हैं ना वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके पास हाँ। you have to do it. और दूसरा मैं रिस्पेक्ट में भी बिलीव करती हूँ वर्थ वर्क एथिक्स जो होते हैं okay. अब उसी से ये बात कि आपने बोला चीज़ें तो चेंज होनी चाहिए और आपने बहुत से फर्स्ट किए जो पहली चीज़ें आपने बहुत सीखी नेटफ्लिक्स एंड जी फाइव जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं हम कब कर रहे हैं ये हम टीवी के आपकी लिस्ट पे है अभी आपने नहीं सोचा है बिकॉज़ आई फील वो एक जगह है जहाँ क्रिएटिविटी के भी बहुत से दरवाजे खुले जा सकते हैं और शायद ये अब डिमांड है फ्यूचर की जिस तरह डिजिटल चेंज हो रहा है ये आप लोगों की लिस्ट पर है कुछ दिमाग में आ रहा है सोच रहे हैं या नहीं जाएंगे इस डायरेक्शन में आप लोग मैं देखें वो लोग तो हमें करते रहते हैं कहते रहते हैं कि हमें दे मैं हाँ, हाँ, लेकिन हम हाँ, मैं अभी अभी उस पर आ रही हूँ तो वो वो भी कहते रहते हैं और इंडिया भी कहता रहता था लेकिन मोमना नहीं करती थी लेकिन नेटफ्लिक्स okay. में शायद दे भी दे कुछ एक आदल लेकिन जो मॉडल है जिस पर आप बात करना चाह रही हैं आ, हम सोच रहे हैं okay. बहुत सी चीज़ें कि ये अब टेलीविजन शायद बहुत दिनों तक नहीं होगी तो इसको किस तरीके से नए चीज़ें जो हैं करें मैंने एक मॉडल सोचा वो अभी टाइम से पहले मैं नहीं बता रही हूँ तो मैंने सोचा और जो मेरा बेटा सिलिकॉन वैली में वो आईटी में है तो मैंने उससे कहा मैं ये करना चाहती हूँ मैं फला चीज़ करना चाहती हूँ दुरैद को मैंने कहा बीच में ना बोलना मुझे मेरा माइंड में कोई चीज़ आई है तो उसने और तुम्हारे पास से हमें कोई होगा जो सपोर्ट करे आ, मकसद क्या कहना चाहिए हाँ कि भाई आपको हम अगर करें कि फ़ाइनेंस फाइनेंस कोई सिलिकॉन वैली वाले मैंने इस तरह टेक्निक टेक्नोलॉजी पे अच्छा। कोई कहा टेक्नोलॉजी की कोई हाँ। बात कर रही हूँ न्यू टेक्नोलॉजी हाँ। तो मेरा बेटा शोर से हंसा तो वो बहुत ही मज़े का बच्चा है तो मैंने कहा तुम हंस क्यों रहे है मुझ पर कहने के मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अभी तक न्यू टेक्नोलॉजी न्यू चीज़ें सोचने <laughs> का सोच रही हैं कि मैं गेमिंग में जाऊँ या मैं जो है नेटफ्लिक्स में जाऊँ या क्या करूँ तो मुझे जहरी ओवर सेवेंटी यार तो फिर उसके बाद भी तो मैंने कहा यही तो मुझे ज़िंदा रखती है बकुल मेरे बेटों की जिस दिन अम्मा ऑफिस जाना बंद कर दिया या हमने कहा नहीं जाओ तो, तो खैर वो है हमारा लिस्ट पे इरादा तो हम उम्मीद रखें अच्छी इनशा कुछ और कुछ और कुछ और ज़रूर जो इन्हीं चीज़ों से मुंसलिक होगी अल्लाह करे कि बेहतर से बेहतर कर सके आई डोंट नो कि आपसे ये पूछना चाहिए बिकॉज आप अब कॉन्टेंट पे इतना आप मतलब आई नो के यूर नॉट समी जो बिल्कुल बारीकियों में जाके चीज़ें देखता है बट मुझे लगता है कि हम टी वी को थोड़ा यूथ औरिएटेड सब्जेक्ट्स पर ज़रा ज़्यादा काम करना चाहिए हम हमेशा वो औरत की बात क्यों कर रहे हैं हम आजकल जो यूथ को इशूज़ हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हैं कॉलेज में तीन दोस्तों की कहानी क्यों नहीं आ जाती या वर्किंग वुमेन जो हैं उनके साथ जो जशूज़ हो रहे हैं वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पर क्यों नहीं बात किए जा रहे हम जो जो आपने सोचा है तो, कर, होगा? कर, करना चाहिए कर रहे हैं अभी एक अभी आएगा, आएगा आपका दानिश नवाज का कोई है या क्या बड़ा मजे का वो कुछ आ, आ रहा है आपके चुपके चुपके पता नहीं अच्छा। वो इस तरह की यूथ और ये है।, है, है लेकिन है। जैसे दिलरुबा वगैरह किया था या क्या ये सब सोसाइटी में हो तो रही है ना जब यूथ की बातें होंगी तो आपकी ड्रग्स की भी बात होगी यूथ की बात होगी तो गर्लफ्रेंड की बात भी हो जाएगी तो फिर यहाँ मसला आ जाता है यहाँ मसला आ जाता है इनको बड़ा मज़ा आता है लोगों को हमारे के बहू पिटती रहे माँ रोती रहे मुझे नफ़रत है औरत के रोने से नहीं तो अल्लाह माफ़ करे मतलब कोई बड़ा वो ना हो जाए किसी औलाद का चीज़ों का फना लेकिन ख़ाम खा का सही बात है क्यों रोती है रोने को पिटी फील करना मुझे ये नहीं पसंद नहीं। ये मैं ड्रामों के अलावा भी कह रही हूँ तो वो ड्रामों में भी आप सही कहती हैं यूथ के आने चाहिए लेकिन दिल बड़ा करना हम कहते हैं जी अरतुल वाह वाह वा वा। फला क्यों नहीं बना हमारे जैसा हमारे पास वहाँ तो थोड़ी देर में गुस्सा आ रहा था तो सर भी कट रहा था ना या तो नहीं दिखा सकते। हमारे पास तो ब्लड का ड्रॉप आप नहीं दिखा सकते नहीं दिखा सकते पिस्टल कहीं किसी के यहाँ लगा होता है तो उसको ब्लड कट के दिखाते तो ये क्या है डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए खुल के पॉलिसी उडारी किया तो आपको पता है कि चाहे कभी उस क्यों कर रहे हो फिर जब बैठ के पूरे मैं कहती हूँ मैं सोसाइटी की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया भर दिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट और yeah, exactly. बहुत तरीके का आया है तब जाके पैमरा चुप hmm. हुआ और उन्होंने कहा हाँ नहीं कुछ ज़रा ख़्याल से ये सीन नहीं hmm. वो सीन तो सुनाना मैं आपके दूसरी बात इंटरव्यूज़ भी देख रही थी और आपने बहुत अच्छी बात की कि जब जैसे हम टीवी अपने अवार्ड्स इंटरनेशनली करता है यू नो बाहर जाता है और आपने वही बात की कि कितना दूसरी गवर्नमेंट्स या चीज़ों को फैसिलिटेट करती हैं और ये आप एक तरह से पाकिस्तान को प्रमोट ही कर रही हैं उसका पॉजिटिव इमेज दे रही हैं तो मे भी आप लोगों ने किया और शायद मैं बेवकूफ़ाना सवाल पूछ रही हूँ मुझे नहीं पता इस बात का लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे और ये बातें मैंने और जगहों से भी सुनी है कि एक वक्त जाके बात क्यों नहीं करता गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर के पीछे पढ़ता क्यों नहीं है कि हमें ये चीज़ें हमारे लिए आसान करें क्या आप लोग कर चुके हैं और मुझे नहीं पता और मैं ये बेवकूफ़ाना सवाल पूछ रही हूँ क्या ये नहीं हो सकता मतलब देखे ना ये तो बेवकूफ़ाना या मासूमाना सवाल आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए लेकिन कई दफ़ा हमने बात की है बल्कि मैं तो कहती भी हूँ कि देखें लेकिन हमारा स्पॉन्सर इतना देता होगा कि मैं जाके हिम्मत करके कर गया पहले मैं बचा नहीं कोई बात नहीं।, नहीं लेकिन कितना बड़ा इमेज हुआ जब हम कनाडा चले गए बिल्कुल और उन लोगों ने 250 300 लोगों का वीज़ा दे दिया नहीं। किसी नहीं। को दस साल किसी को 5 साल जो, जो कि वैसे नहीं मिलता ये किसका ट्रस्ट था हमने अपना बनाया और ये प्राइड किस को लेनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे लोगों को दिया गया कहीं कहीं पे मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कहीं यहाँ पे करना चाहिए इनको लेकिन जैसे मैंने पिफ किया पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैं गवर्नमेंट की बड़ी थैंकफुल थी मैंने जाके समझाया तो वो समझे भी और सत्रह 18 लोग वहाँ से आए बाहुबली के भी ये इंडिया से आए बाहुबली का डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर और दूसरे और ये जिनसे मिल के हमारे बच्चे ऐसा सीखे वर्कशॉप किए हमने वो भी तो आके देखी ना कि कितना हर इतनी तारीफ की इतनी तारीफ की कि बस और बाद में इन्होंने बेचारों ने बताया कि जो एक आदम मुस्लिम जो जिन्होंने बहुत अच्छे हैं स्क्रिप्ट के मैं नाम अभी भूल रही हूँ जिन्होंने स्क्रिप्ट की वर्कशॉप की वो बेचारों को जरा डबी क्योंकि उन्होंने दबा के तारीफ की हमने वो डाल दिए तो कहने का मतलब है लेकिन गवर्नमेंट उसमें लेकिन गवर्नमेंट को और हिस्सा लेना चाहिए इससे बड़ा एम्बेसडर आपका कोई हो ही नहीं, नहीं सकता कि आप अपना आर्ट कल्चर ड्रामा और अवार्ड्स बाहर ले जा करें बड़ी हिम्मत की बात थी ये दुरीत का जी जिगरा था नहीं। नहीं। हमारा फाइनेंस तो कह रहा था दुरीत साहब नहीं बनेंगे दुरीत साहब ये उसके बाद हमने ह्यूस्टन किया अमेरिका एम्बेसी ने हमारा बड़ा साथ दिया और गए तो करना चाहिए उनको करना चाहिए हमारे जो एयर एयरलाइंस हैं इनको देना चाहिए, देना चाहिए।, चाहिए। लेकिन ठीक है देखते देखते अरतगुल के बाद शायद यहाँ भी पहुँच जाएंगे मैं अर्तगुल <laughs> को मजाक में ले रही क्योंकि जब बात करते हैं ना चलते फिरते आप ऐसा ड्रामा क्यों नहीं बना रहे अरे भाई उस पर ख़र्चा देखो चीज़ ऐसा ड्रामा क्यों बना मैंने तो पूरा देखा भी नहीं कि ये है और पॉलिसी देखो जहाँ हर हरम शरीफ में वो लड़का पसंद करिए जा रहा है औरतें ये हम नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं, नहीं मैं सिर्फ ये कही थी कि आप लोग कांस्टेंट एफर्ट करते रहें गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाएं हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कुछ आप लोग साथ दें हम साथ हैं आपके बिल्कुल साथ हैं क्योंकि देखें जब मिलके साथ देते हैं ना मैं बची भी सोशल मीडिया और आम आदमी से थी कि जी बिल्कुल आपके साथ खड़े हो गए कि उन्होंने कहा कि ये क्या बेबू जो है ये चीज़ें आ रही हैं कि बंद करो बंद करो ये तो हम देखना चाहते हैं और उन्हें मैंने क्या सिखाया कि भाई बच्चे अगर परेशान हैं तो उनसे पूछो बहुत इम्पोर्टेंट था और क्लोजेस्ट लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं वो ज़्यादा करते हैं सही बात है बाहर से कोई नहीं आता अंदर भी पहले नज़र पड़ती है कोई एक फिल्म है जो आप देखती हैं और आप सोचती हैं अगर मैं फिल्म बनाऊंगी तो ऐसी फिल्म बनाऊंगी कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है कौन सी देखती हैं किसी भी टाइम लगा के देख सकती हैं किसी भी टाइम तो बार बार तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता मैं जब बाहर जाती हूँ अमेरिका वगैरह जो साल में एक हाँ। दफ़ा चली जाती हूँ इस मरतबा तो हाँ। कोविड की वजह से नहीं जा सकी तो वो टाइम होता है मेरा दबा के फिल्में देखता तो एक आधी फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं अगर बनाऊंगी तो इस तरह कमर्शियल और एंड में मेरा कहीं परपज आ जाएगा कौन सी है वो? नाम हमारे अच्छा पास ये हाँ। होता है इंडिया का नाम लो तो लोग सारा कुछ आपने कह दिया और कहा कि अच्छा इंडिया भाई फिल्म में वो हमसे आगे हैं ड्रामे में हम उनसे आगे हैं तो जो चीज़ जो है और हमारी इंडस्ट्री इतनी नहीं बढ़ी है अब इतना दुख होता है अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी तो शुरू होना शुरू हुई थी फिर मसले हो गए दूसरा मैं समझती हूँ प्रोड्यूसर्स जो हमारे यंग यंग आए हैं ना बच्चे इनको इनकरेज करना चाहिए इनको टाइमली पैसे मिलने चाहिए सही बात है। ताकि वो आगे भी कर आगे सके। आगे कर सके ना एक को नौ नौ महीने के एक साल लग जाता है पैसे मिलते मिलते वो बेचारा तो थक हार के और बेचारे चार करोड़ पाँच करोड़ दस करोड़ में क्या बना लेंगे वहाँ होता है दो सौ करोड़ और तो फिर कहते हैं आपने वैसी नहीं बनाई तो लेवल ही डिफरेंट है <laughs> लेवल ही डिफरेंट है थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें की हमसे नहीं मैं थैंक यू कि आपने पूछा और अब तो मेरा यही एक मकसद है कि अगर मेरी बातों से किसी घर को कोई चार लड़कियों को इनक्रेजमेंट मिलती है उनके पेरेंट्स उसका साथ देते हैं और बच्चियों की हिम्मत अफजाई होती है तो मेरे लिए ये आगे काम है कि मैं इस तरह से मोटिवेट करूं और उनको और अच्छी बात यह है कि अब मीडिया में पैसा भी है अब मीडिया में रिस्पेक्ट भी है हर एक घर से एक बच्ची बच्चा मीडिया में आना चाहता है तो हमें इनक्रेज करना चाहिए और गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए मैं आपको बताऊँ मैं फ़िल्म फेस्टिवल करने वाली हूँ तो अगर गवर्नमेंट उसमें साथ देगी <laughs> तो बहुत अच्छी तरह करेंगे नहीं भी तो करती रहूँगी वर्कशॉप्स करती रहूँगी चीज़ें करती रहूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कब कब हो रहे हैं तो आप बताएं बच्चों को आएँ देखें सीखें ये मेरा अब मकसद रह गया कि जो मेरे पास है उसको आगे सबको बांट दूँ तो। नहीं थैंक यू सो मच हमारी दुआएं हमारी बेस्ट विशेज़ हमारी जो भी एफर्ट्स हम कर सकते हैं वो आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर प्रोजेक्ट्स बहुत शुक्रिया